मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरनल साइट्स। इन दिस डिफेक्ट व्हेन कंपाउंड हीटेड कैटायंस फॉर्म्ड, जब हम लोग किसी कंपाउंड को गर्म करते हैं तो कैटायन फॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है। तो जो कैटायन फॉर्म्ड होता है वह इंटरस्टल साइट में चला जाता है और जो एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है वो दूसरा इंटरेस्टल साइट में चल जाता है। इस प्रकार से अगर एक्स्ट्रा कैटायन हो जाता है उस क्रिस्टल में, इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरेस्टल साइट्स। फॉर एग्जांपल व्हेन ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो इट गिव Zn2+ आयन एंड बिकम येलो, यानी कि पहले ZnO का कलर वाइट होता था लेकिन जैसे ही हम लोग हीट करते हैं उसका कलर येलो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये ZnO जिंक ऑक्साइड है इसको जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो ये केटायन बनता है और केटायन के अलावा ये ऑक्सीजन जो होता है उस क्रिस्टल से निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है। तो ये Zn2+ जो है किसी दूसरे क्रिस्टल, जो ये Zn2+ है वो एनोदर इंटरस्टल साइट में चला जाता है। इसे फिगर के द्वारा समझ लिया जाए, ये मान लीजिए क्रिस्टल हो गया, ZnO का क्रिस्टल हो गया, एक में Zn O, तो ये जो Zn जब हम लोग इसे हीट करेंगे तो जो Zn2+ बनेगा वो किसी इंटरनेशनल साइट में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इंटरनेशनल साइट में चला जाएगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से क्या होता है, जो जिंक ऑक्साइड का कलर ये वाइट से येलो हो जाता है और इसमें एक्स्ट्रा केटायन प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। माने मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें का नॉन मेटल वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। जब नॉन मेटल बाहर निकल गया यानी कि नॉन मेटल की कमी हो गई और मेटल की एक्सेस हो गया यानी मेटल ज़्यादा हो गया, इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरेस्टल साइट्स। थैंक यू।